बिहार अब मालामाल होने वाला है। हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो खबर आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि आपने ये खबर सुनी और देखी होगी कि कुछ महीनों पहले बिहार के जमुई जिले में सोने की खान होने की बात कही गई थी, जिसके बाद पूरे देश भर में इसकी चर्चा हुई। और चर्चा इसलिए हुई कि देश भर में सोने का सबसे बड़ा भंडार जो है बिहार के जमुई जिले में मिला। लेकिन इसी जमुई जिले से एक और बड़ी खबर और एक बड़ा खुलासा निकलकर सामने आ रहा है। हाल ही में पता लगा था कि जमुई जिले में देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार है। केंद्र सरकार ने इस पर संसद में जानकारी भी दी थी। अब इसी जिले के सिकंदरा प्रखंड में लोहे की खान होने की संभावना नजर आई है। इसे लेकर एक बार फिर से सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। सिकंदरा प्रखंड के मंजोश पंचायत में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि GSI की टीम तेजी से सैंपल जुटाने में लग गई है। GSI की टीम मंजोश के खेतों में भू छेदन कर सैंपल ले रही है। दरअसल 20 साल पहले मंजोश गांव के पहाड़ी इलाके में बच्चों को खेलने के दौरान एक चुंबक से एक काला रंग का पत्थर चिपक गया था। इसके बाद मिट्टी के कुछ अंश भी चुंबक में चिपकने लगे थे। तब लोगों को लगा कि यहां की मिट्टी में लोहा मिला हुआ है। इसके बाद इस गांव की एक पहाड़ी पर काले रंग के अब ऐसे कई अवशेष मिले, जिससे लगा कि पूर्व में आग की भट्टी पर यहां कुछ निकाला गया होगा। कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजों ने इस पहाड़ी से लोहा निकाला था। इसी संभावना को लेकर बीते कई वर्षों से यहां पर कई बार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लौह अयस्क की खोज के लिए बार बार जमीन को छेद किया जा रहा है और सैंपल लिया गया। इससे पहले भी सर्वेक्षण में इस इलाके में प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क होने की खबर आ चुकी है। मंजोश पंचायत के 8 से 10 किलोमीटर के रेडियस में लौह अयस्क हैं, मिलने की बातें कही जा रही हैं। पूर्व में सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है कि यहाँ कहीं कहीं तो 70-80% लौह अयस्क मौजूद है। बताया जाता है कि यहाँ की जमीन में 40 मीटर के बाद ही आयरन और मिलना शुरू हो जाता है और 65 मीटर के बाद तो प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क मिलते हैं। बीते 2 सप्ताह से इस पंचायत में GSI की टीम जमीन में 200-250 मीटर छेद कर सैंपल ले रही है। इस दौरान आयरन के अलावा सफेद संगमरमर भी निकलते देखे गए हैं। अब बिहार के जमुई में लगातार GSI की टीम इस सर्वेक्षण में लग गई है कि इस बात का पता अब जल्द से जल्द लगाना होगा कि आखिर इस जमीन में लौह अयस्क है या नहीं, और अगर लौह अयस्क होने की बात सामने आ रही है तो कितनी मात्रा में इस जमीन में लौह अयस्क मौजूद हैं। फिलहाल जमुई जिले में सोने का खान होने की बात तो सबके सामने है। अब इस सोने के भंडार पर काम कब तक किया जाएगा ये देखने वाली बात है। लेकिन अब जमुई के सिकंदरा में ही लौह अयस्क होने की जो बात सामने आ रही है उसे लेकर भी GSI की टीम रोज अपने नए नए इंस्पेक्शन कर रही है, नए नए सर्वेक्षण कर रही है। अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ जमुई के लोगों को बल्कि बिहार के लोगों को बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ा तोहफा अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि लौह अयस्क होने के बाद बिहार में कई कारोबार विकसित हो पाएंगे। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।